देखिए लोग थोड़े से परेशानी में है जाम होने से, और कईयों के साथ छोटे बच्चे हैं। आपको पता है लोग आपको भगवान कह रहे थे कि हमारे लिए भगवान बनकर आए हो आप। नहीं ऐसा नहीं कहिए, ऐसा ना सोचना चाहिए ना कहना चाहिए। वो कह रहे हैं आप, ये हमारा कर्तव्य है। आप लोगों ने शहर की जिम्मेवारी दी, और शहर में अगर कभी ऐसा हो, लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सभी सामाजिक संस्थाओं का, गुरुद्वारों का, और सभी बाजारों के प्रधानों का, और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ आ चुके हैं और डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, किसी सामान की कमी नहीं है। आज पानीपत शहर के विधायक प्रमोद बिज ने कमाल कर दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि एक विधायक चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। उन्होंने विधायक होने के साथ ही एक सच्चा इंसान होने का भी फर्ज अदा किया। बता दे आपको कि हम इतनी ज्यादा तारीफ क्यों कर रहे हैं, तो हम ये तारीफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज प्रमोद बिज ने कुछ ऐसा ही काम किया है। वह धर्म कर्म और परोपकार के कामों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। शहरी विधायक प्रमोद बिज ने शुक्रवार को फिर से मुसीबत में फंसे यात्रियों से अपनत्व दिखाते हुए ये प्रमाणित किया कि अगर इंसान चाहे तो वह कुछ भी कर सकता है। बता दें आपको कि जैसे ही उन्हें सूचना आई कि रेल के आवागमन में बाधा आने के कारण सैकड़ों मुसाफिर पानीपत स्टेशन पर फंसे हुए हैं, उन्होंने तनिक देर ना करते हुए तुरंत अपनी टीम के साथ खाद्य सामग्री के साथ पेयजल, ब्रेड पकौड़े व समोसे की व्यवस्था कर ट्रेन में फंसे यात्रियों को वितरित करने के लिए वहां पहुंच गए। जैसे ही वो वहां पहुंचे, काफी ज्यादा लोग उमड़ के उनके सामने आ गए। लोग उन्हें दुआएं देने लगे, कई लोग तो उन्हें भगवान कहकर भी संबोधित करने लगे, क्योंकि लोग बहुत ही ज्यादा हताश हो चुके थे, भूख प्यास के मारे तड़प रहे थे। ऐसे में जैसे ही प्रमोद बिज वहां पर खाद्य सामग्री के साथ पहुंचे, तो लोगों में एक बहुत ही खुशी की लहर जाग गई। सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। सभी अपनी अपनी तरह से प्रमोद बिज को दुआएं देने लगे। कुछ लोग तो ये भी कहते हुए नजर आए कि अगर हम अन्य जगहों के ना होते, यहाँ होते, तो हम हमेशा आपको ही विधायक बनाते। और हमारे साथ अभी मौजूद है पानीपत लोकप्रिय शहरी विधायक प्रमोद बिज जी, जो कि गरीबों के लिए बढ़ चढ़कर कार्य करते हैं, जो उनके हो सकता है वो कार्य करते हैं। और आज भी उन्होंने इंसानियत का फर्ज अदा किया है। पानीपत लोकप्रिय शहरी विधायक है, उससे पहले वो एक अच्छे और सच्चे इंसान है। बता दें आपको कि जैसे ही उन्हें सूचना प्राप्त हुई कि पानीपत रेलवे स्टेशन पर लोग भूख प्यास के मारे तड़प रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल समय ना गंवाते हुए बिल्कुल अपनी टीम के साथ यहाँ मौके पर पहुंचे, और यहाँ पर देख पा रहे खाद्य सामग्री के साथ पहुंचे हैं। ये बताइए विधायक जी, लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे, और जैसे आपको सूचना मिली आप एक सेकंड में यहाँ पर पहुंच गए। देखिए हमें सूचना, एक तो स्टेशन मास्टर धीरज जी हैं कपूर साहब, उन्होंने दी एकदम, और जैसे ही मालूम पड़ा कि दो ट्रेनें, एक तो इंदौर से और एक ट्रेन बॉम्बे से आई हुई है, और लगभग 1500 के लगभग इसमें यात्री हैं, और ये ट्रेन 3-4 घंटे से रुकी हुई है, तो चिंता की बात थी। बच्चे हैं, छोटे बच्चे बीच में यात्री हैं, इतना खाने का सामान किसी के पास नहीं होता है। तो तुरंत हमने अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता को सूचना दी शहरी विधानसभा में, क्योंकि दूर से विधानसभा आने में समय लग जाता है, और समाज के प्रमुख बाजारों को सूचना हमने दी, गुरुद्वारों को सूचना दी, और अभी आप देखिएगा थोड़ी ही देर में लंगर की इतनी प्रॉपर व्यवस्था की जा रही है। मॉडर्न के गुरुद्वारे से लंगर यहाँ पहुँचने वाला है, और भी गुरुद्वारों से लंगर आ रहा है। यहाँ पर दूध, छोटे बच्चों के लिए दूध के पैकेट मंगवा दिए हैं, बिस्कुट मंगवा दिए हैं, रस मंगवा दिए हैं, मट्टी है, केले हैं, सेब मंगवा दिया है, और ब्रेड पकौड़ा मंगवा दिया है। सामान की कोई कमी नहीं है, किसी यात्री को भूखा नहीं रहा है। पानीपत का समाज सामाजिक संस्था है, धार्मिक संस्था है, इस बात के लिए आप पहले भी जानते हैं, कभी भी ऐसा कष्ट आता है तो सब एकजुट होके उस समस्या का समाधान करते हैं। बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो हमारे पानीपत के विधायक हैं प्रमोद बिजी, बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हैं। लोकप्रिय इसलिए है क्योंकि ये गरीबों की बात सुनते हैं, गरीबों की हक की आवाज़ उठाते हैं, और कोई भी हो, चाहे कोई सा वर्ग हो, अगर इनसे मदद की गुहार लगाता है तो वो कभी देर नहीं करते हैं, उनकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। आज क्या संदेश देंगे आप? मेरा तो प्रार्थना है कि हम सब मानते हैं कि किसान हमारा अन्नदाता है, हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, सब मानते हैं, लेकिन मेरा उनसे आग्रह है कि इस तरह से रास्ता रोकने से, आप देखिए बच्चों को परेशानी हो रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं, यात्री परेशानी हो रही है, वो जल्दी से जल्दी जाम को खोलें ताकि यात्री अपने स्थान पर पहुंच पाए, ये मेरा आग्रह है उनसे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे साथ विधायक जी थे, जिन्होंने कहा कि आज आप भी आकर मदद करें, अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा फंसा हुआ नजर आए, भूख प्यास से तड़पता हुआ नजर आए, आप उसकी मदद करें। और आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, बने रहे हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।